गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम वाटर कंप्लीट करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम पढ़ रहे थे ओशियंस के बारे में। तो ओशियंस में हमने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि ओशियंस जो होते हैं उनका सब जगह का टेम्परेचर एक सा होता है कि नहीं होता है, सैलिनिटी एक सी होती है कि नहीं होती है, तो ये हमने पढ़ा था। और अभी हम पढ़ेंगे ओशियनिक सर्कुलेशन, ये भी हमने थोड़ा सा तो डिस्कस कर ही लिया था, क्योंकि उसमें जो वेव्स आती हैं और उसके अंदर जो भी सर्कुलेशन होता है हवाओं के कारण होता है। ऑब्वियसली हवा तेज़ चलेगी तो पानी भी तेज़ बहेगा। अब वो कैसे हवाएँ जो होती हैं वो वेव्स कैसे क्रिएट करती हैं, टाइड्स कैसे आती हैं, और फाइनली एक और चीज़ थी, कौन सी थी, भूल गई, करंट्स, ओशियन करंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया था कि ओशियंस क्या होते हैं और टेम्परेचर। भाई इक्वेटर के पास रहेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, पोल्स के पास जाते जाते टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम डेप्थ में चले जाएंगे, नीचे जाते जाते, गहराई में जाते जाते टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं है तो गर्मी आएगी कहाँ से। और ऊपर जो सतह होती है पानी की, वहाँ पर सूरज की रोशनी आती है, गर्मी आती है तो पानी गर्म रहता है। इसके बाद हमने पढ़ा था सैलिनिटी। सैलिनिटी भी देखा था हमने कि एक ही ओशियन की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग एरिया में सैलिनिटी अलग अलग होती है ना। तो क्या कहते हैं, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे क्योंकि मॉइस्चर होता है हवा में, ह्यूमिडिटी होती है तो एवोपरेशन कम होता है पानी का, एवोपरेशन कम होता है तो सैलिनिटी भी कम होती है ना। और अगर इसके अपोजिट हमने देखा था कि जहाँ रेनी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, बहुत तेज़ गर्मी होती है और हॉट विंड्स होती हैं, जहाँ पर ड्राई विंड्स होती है वहाँ पर पानी का एवोपरेशन हो जाता है जल्दी से, बचता क्या है हमारे पास, सॉल्टी सॉल्ट बचता है, तो वहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। फिर हम देख रहे थे ओशियनिक करंट्स। तो इन्होंने कहा कि ओशियनिक करंट्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, वेव्स होती हैं, टाइड्स होते हैं और सिंपल ओशियनिक करंट्स होते हैं, है ना। इसे हम ओशियनिक सर्कुलेशन कहते हैं। सॉरी, सर्कुलेशन मतलब कि ओशियंस में किस किस तरीके के बहाव जो होता है पानी का, वो कैसे कैसे होता है। तो वेव्स में हमने क्या देखा था कि भाई विंड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जब अच्छी ब्रीज चल रही है, ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, सुहानी हवा चलेगी तो पानी भी सुहाने से आराम आराम से बहेगा। लेकिन अगर हवा बुरी तरह से चलेगी, स्टॉर्म्स आएंगे या फिर क्या कहते हैं बहुत आंधी तूफान आएगा, तो बड़ी बड़ी वेव्स हो जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जब क्या कहते हैं कोई वोल्केनो इरप्ट होता है या तो कोई अर्थक्वेक आता है, तो आप समझ सकते हो कि पानी कितने ज़ोर से हिलता होगा। और उसके बाद क्या होता है, बड़ी बड़ी सुनामीज आती हैं, क्योंकि जब इतना हिलेगा तो भाई टाइट तो कितनी ख़तरनाक बननी है, तो फिर सुनामीज आती हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, सेवन क्लास के स्टूडेंट हो ना, हो सकता है आपको पता भी होगा। देखिए पेज नंबर 217 पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक वेव के का दिखाया है कि वेव कैसी होती है, इस तरीके की होती है, ठीक है, सब बच्चों को मालूम है। अब ये जो कहलाता है यहाँ से यहाँ तक, ये तो जो है लाइन, ये तो क्या दिखा रहा है आपको, स्टिल वाटर, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको स्टिल वाटर मानते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी लिक्विड, बट अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं तो मैं वाटर की बात करूंगी। तो ये जो पार्ट हो गया, ये सीधी लाइन जो है वो तो आपको स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी है। अब लहरें आना शुरू होती हैं अगर, तो ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं और फिर नीचे जाती हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ, या हम कह सकते हैं कि यही डायग्राम ऑफ वेव का देखते हैं, है ना। तो अब ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो कहलाता है ना, इसको क्या कहते हैं हम, क्रैस्ट। ये जो सबसे ऊपर जो जाता है इसको हम कहते हैं CREST, क्रेस्ट, ठीक है। और ये कितना नीचे तक जा रहा है मिनिमम, ये है, इसको हम कहते हैं, ये जो मैक्सिमम ऊपर तक कितना जा रहा है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और मिनिमम नीचे तक कितना जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉफ, TROUGH, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये जो पार्ट है पूरा यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, कितना ऊपर गया कितना नीचे आया, इसको हम क्या कहते हैं, वेव की हाइट कहते हैं, HEIGHT, हाइट ऑफ द वेव, इसको हम वेव हाइट भी कहते हैं, ठीक। और दो क्रेस्ट, और ये भी क्रेस्ट हुआ और ये भी क्रेस्ट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे आएंगे तो यहाँ पर वापस क्या आएगा, एक ट्रफ आएगा, तो ये जो दो ट्रफ के बीच में और दो क्रेस्ट के बीच में
ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक नाप लो या यहाँ से यहाँ तक नाप लो, एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि क्रेस्ट और जो ट्रफ्स होते हैं वो एक जैसे ही बनते हैं, ठीक। कभी ऐसा नहीं होता कि क्रेस्ट ज़्यादा बन रहा है और ट्रफ नीचे छोटा बन रहा है, दोनों की जो गहराई और ऊंचाई होती है वो सेम होती है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहता है। तो ये एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट की, ये फर्स्ट नंबर क्रस्ट है, ये सेकंड नंबर क्रस्ट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, वेव की लेंथ कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्रस्ट से और एक ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है वो वेव हाइट कहलाती है। हम क्रस्ट क्रस्ट के बीच की दूरी नाप सकते हैं वेव लेंथ के लिए, या दो ट्रफ के बीच की भी दूरी नाप सकते हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ ही कहते हैं, ठीक है। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के जो बीच की डिस्टेंस होता है उसको तो हम वेव लेंथ कहते हैं, लेकिन एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में जितना पार्ट इसने घेरा होता है उसको हम वेव की हाइट कहते हैं, गेटिंग। तो ये है, इसके आगे जब आप आगे क्लास में जाओगे तो इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं टाइड्स। अच्छा, एक और बात है, इन्होंने आपकी बुक में सुनामी का एक डिज़ास्टर दिया हुआ है जो कि हमारे देश में 2004 में साउथ इंडिया की तरफ आया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और बहुत ज़्यादा ही वो ख़तरनाक था और उसने बहुत सारी जगहों को बिल्कुल बर्बाद भी कर दिया था और ओशन के अंदर 3 किलोमीटर तक गई थी वो वेव्स। तो ये सब आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। और आपको एक बात बताने होनी चाहिए कि सुनामी का जो लक्षण होता है कि अब सुनामी आ सकती है, वो ये होता है कि उसके पहले कोस्ट जो होता है, किनारा जो होता है, उसका पानी समुद्र की तरफ जाने लग जाता है। हमेशा क्या होता है, अंदर से पानी किनारे की तरफ आता है लेकिन वो विड्रॉ करता है पानी, उसके बाद फिर सुनामी आती है। आपको पेज नंबर 218 पर देखा भी दिया भी गया है, डू यू नो द फर्स्ट साइन ऑफ सुनामी इज़ द विड्रॉल ऑफ कोस्टल वाटर इनटू द ओशियन। जो कोस्टल वाटर का विड्रॉ हो रहा है यानी कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, उसके बाद फिर फेंकता है पानी जोर जोर से, सुनामी आती है। 3-3, 4-4 मंजिल जो होती है ना, उतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो बर्बादी तो होनी है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे टाइड्स, ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ये अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाइड्स क्या होता है पता है, राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे। पूरे दिन में पानी जो होता है ओशियंस का वो राइज करता है, मतलब वो बढ़ता है और फिर नीचे आता है, ठीक है। ये वेव्स नहीं है, ये वेव्स से डिफरेंट है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, वेव से ही बनेगी क्योंकि जब वाटर उछलेगा और नीचे जाएगा तो वेव्स ही हैं, बट ये दे आर डिफरेंट, क्योंकि ये जैसे जो वेव्स हैं वो तो सारे दिन आती रहती हैं अलग अलग टाइप की, लेकिन जो ये टाइड्स हैं, ये जो वेव्स होती हैं जो कि टाइड्स कहलाती हैं, ये दिन में 2 बार उछल ऊपर जाती हैं और 2 बार नीचे भी आती हैं। तो ध्यान से सुनो इस बात को, टाइड्स रिफर टू rise and fall of the ocean water twice a day in a rhythmic manner, ठीक है। They occur at regular intervals. अब होता क्या है, देखो ये हमारी धरती है, this is our earth, ठीक है। यहाँ पे सरफेस में दुनिया भर का पानी है अलग अलग जगह पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सन भी है और एक मून भी है, ठीक है, और मून जो है वो धरती के चक्कर लगा रहा है, तो मून कभी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, गेटिंग। मान लीजिए कि एक मून का जब सपोज करो कि ये न्यू मून डे है, न्यू मून नाइट, ये है आपकी फुल मून नाइट, ठीक है, और यहाँ होता है आपका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून, और ये होता है आपका सेकंड क्वार्टर ऑफ मून, ठीक। ये है आपका मून, ये है आपका सन। अब सन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और मून इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। क्या होता है, जब मून चक्कर लगाते लगाते जब इसके सीध में आ जाता है, अर्थ मून और सन एक ही लाइन में होते हैं, यानी इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि मून दो तरीके से होता है। पहली बात तो होती है, हमारे पास एक रात को हम ऐसी दिखती है जिसमें बिल्कुल नया चांद होता है, उसे हम न्यू मून नाइट कहते हैं, ठीक है, और यहाँ हम कहते हैं फुल मून, ठीक।
तो जब न्यू मून नाइट होती है, या हम सिंपल बोल सकते हैं कि न्यू मून होता है, दोनों में से कुछ भी लिखा हो आप समझ जाना, कंफ्यूज मत होना। तो जब न्यू मून होता है तब क्या होता है, अर्थ मून और सन एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें ये बहुत अच्छे से, और इसमें क्या होगा, अब मान लीजिए इसके बीच में है तो क्या होगा, यहाँ पर सन की सारी रोशनी इस तरफ पड़ेगी और बहुत ही छोटा सा पार्ट हमें मून का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मून जो है वो सन रेज को ही तो रिफ्लेक्ट करता है। अब इधर जो जब पूरी रोशनी इस तरफ पड़ रही है तो ये वाला पूरा पार्ट तो हमें अंधेरा दिखाई देगा यहाँ तो, और थोड़ी बहुत जो यहाँ रोशनी आएगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर से अपने को छोटा सा जो चांद दिखाई देता है न्यू मून, बिल्कुल पतला वाला। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कब होता है, जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है कि तो जब न्यू मून होता है तब हमें ये वाली कंडीशन दिखाई देती है, और इस वक्त हमें पता होना चाहिए कि मून, सन और अर्थ तीनों एक ही लाइन में है। इसी तरीके से फुल मून वाले दिन भी होता है, ठीक है ना, तो उस दिन भी क्या होता है, अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में होते हैं, इसे हम कहते हैं अलाइन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि न्यू मून की बात करें या फुल मून की बात करें, अर्थ, मून और सन जो होता है वो एक लाइन में होता है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, मून के अंदर भी ग्रेविटेशन फोर्स है, अर्थ के अंदर भी ग्रेविटेशन फोर्स है, और सन के अंदर भी ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स तो ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर को ही हमारे मतलब अपने पास खींच के रखता है इसका ग्रेविटेशन फोर्स। अब जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स है वो अर्थ से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा है कि कम है ये आपको पता है? क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो उसके मास पर डिपेंड होता है, ठीक है। अच्छा चलो, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब सन की बात करूंगी, फिलहाल सिर्फ आप इतना समझ लो कि जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमारे अर्थ पे जो पानी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उससे क्या होता है कि जब जिस अब ये मून जो है वो चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है और अर्थ जो है वो भी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अर्थ का जो पानी है, ठीक है, मैं आपको एक सरल से डायग्राम से बताती हूँ, ये आपको समझ में आ गया, मैंने समझाने के लिए बनाया था कि अर्थ पे हम जो पानी है सरफेस के ऊपर हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये जो पानी है वो मून की तरफ ऐसे आ जाता है, उसकी तरफ खींचता है, क्योंकि मून इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स डालता है, इसकी ग्रेविटी के कारण पानी खींचा, ठीक है। यहाँ पे भी जो पानी था वो भी ऐसा हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो और धरती जो है वो बीच में घूमती रहती है, तो क्या होता है, इसलिए टाइड्स बनती हैं। जब मून, अब क्या है इसमें देखना आप, मून सन, अब सन की ग्रेविटी भी लग रही है, मून की ग्रेविटी भी लग रही है, तो बेचारा पानी तो खींचेगा, ठीक। और धरती बहुत, धरती घूम भी रही है, तो ये जो पानी होता है वो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जाता है। तो यहाँ पर जो पार्ट आ रहा है जहाँ पर कि खिंचाव नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे जो पार्ट आ रहा है जहाँ पे कि खिंचाव नहीं है, देखो पानी खिंच रहा है और ये पानी खिंच रहा है, तो ये जो होती है वो टाइड्स बन जाती हैं। बात समझ में आ रही है? मून की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी एक साथ मिलके हमारे अर्थ के सरफेस के वाटर को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये पानी खिंच रहा है, इधर भी खिंच रहा है और इधर भी खिंच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइड्स आ जाती हैं। अब ये जो काम होता है इनको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, ये बड़ी तेज होती हैं, ठीक है, पानी उछलता है, ये बड़ा अच्छा दिखता है देखने में। अभी बोर्ड पे तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन आप बस सिंपल ऐसा सोचो कि हमारी धरती में पूरे दिन में एक दो बार ऐसा होता है कि पानी ज़ोर से उछलता है, ठीक है, और दूसरी तरफ पानी एकदम कम भी हो जाता है। इसको थोड़ा सोचने की बात है, अगर सोच सको तो सोचना, धरती घूम रही है, अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ घुमाते हो, ठीक है, बच्चों के कुछ वो आते हैं ना खिलौने, उनको अगर ऐसे घुमाओगे या पानी को ज़ोर से ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, पानी अगर एक तरफ ऐसे उछलेगा तो दूसरी तरफ वो बिल्कुल मिनिमम पे भी जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर पानी ऐसे उछलता है तो ऐसे नहीं उछलता है पानी, ऐसे उछलता है, यानी कि यहाँ का जो वाटर सरफेस है वो नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो तो ये वाला हो गया, और ये जो पार्ट है वो ये वाला हो गया,
जहाँ पर कि अर्थ के पास पानी बिल्कुल ज़मीन से लग जाएगा और ये पानी जो है वो उछलता हुआ पानी है, ठीक है। तो ये जो टाइड्स आती हैं इनको हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, जो कि कब आती हैं, फुल मून और न्यू मून के टाइम पर, ठीक है। अब क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। अब मान लीजिए मून घूमते घूमते यहाँ पहुँचा, ठीक ना, मून घूमते घूमते कहाँ पहुँचा, ये हमारी अर्थ, ये रहा मून और ये रहा। तो फर्स्ट क्वार्टर जो 15 दिन का एक फर्स्ट क्वार्टर होता है, अपन ने पढ़ा है ना अलग अलग फेजेस होते हैं मून के, तो 15 दिन कैसे चलता है और फिर दूसरे 15 दिन, तो फर्स्ट क्वार्टर यहाँ, सेकंड क्वार्टर यहाँ अपन मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर और ये हो गया आपका सेकेंड क्वार्टर। अब क्या होता है, इसके अंदर जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा किसके पास है, सन के पास है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी है, सन है चाहे अर्थ है चाहे मून है, वो बहुत ज़्यादा जितना बड़ा होता जाएगा, उसका मास जितना ज़्यादा हो जाएगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर ग्रेविटी आती जाती है। तो इन तीनों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सन के पास है ग्रेविटी, सेकेंड नंबर अर्थ के पास है ग्रेविटी, फिर मून के पास है, लेकिन फिर भी पानी को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ उछाल लेता है, क्यों, क्योंकि अर्थ के बहुत पास है, ठीक है ना। और सन, सन के पास ग्रेविटी तो ज़्यादा है मगर ये बहुत दूर है हमसे, तो इसीलिए इसकी ग्रेविटी इतनी पता नहीं चलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सन की ग्रेविटी हमें मून की ग्रेविटी की तुलना में कम पता चलती है, ठीक, लेकिन मून क्योंकि पास है इसीलिए उसकी ग्रेविटी कम होते हुए हमें ज़्यादा फील होती है, सन हमसे दूर है इसीलिए उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होते हुए भी हमें कम फील होती है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, अब ये जो सन है, ये मून और ये सन, ये 90 डिग्री के एंगल पे आ गए, अगर हम ऐसे बात करके देखें तो बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने लग गए, ठीक। तो फिर क्या होगा, इसकी जो उछाल है ये जो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो ग्रेविटी लगाएगा अपनी, तो इसीलिए जब ये दोनों एक साथ थे, है ना, सन और मून जब एक लाइन में थे तो मून की भी ग्रेविटी खींच रही थी पानी को, सन की भी ग्रेविटी अपने उसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे तो सन और मून में झगड़ा हो जाता है, मून की ग्रेविटी अपनी तरफ पानी को खींचेगी लेकिन थोड़ी बहुत जो सन की ग्रेविटी लगेगी वो उसको रोकेगी भी, तो पानी उछलता तो है लेकिन इतना नहीं उछलता है, थोड़ा सा उछलता है मून की तरफ, ठीक है। तो मून की तरफ पानी उछलेगा लेकिन इतना नहीं उछलेगा, तो हमारे पास जो टाइड्स बनेंगी वो नेप टाइड्स कहलाती हैं, जो कि छोटी होती हैं, है ना। स्प्रिंग जो टाइड्स थी वो बड़ी बनी थी, नेप टाइड जो होती हैं वो छोटी बनती हैं, ठीक। तो अभी इतना समझ में आ रहा है आपको, टाइड्स क्यों बनती हैं और छोटी और बड़ी क्यों बनती हैं। तो और धरती जो होती है वो घूमती है जब अपनी जगह पर, तो हम देखते हैं कि पूरे दिन में दो बार तो हाई टाइड्स बनती हैं, दो बार लो टाइड्स बनती हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे, बस आपको इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि न्यू मून डे पे और फुल मून डे पे टाइड्स बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, जिनको कि स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त सन और मून दोनों मिलके खींच रहे होते हैं अपनी तरफ वाटर को, क्योंकि वो एक ही लाइन में होते हैं। लेकिन जब फर्स्ट क्वार्टर पे हम देखते हैं या सेकेंड क्वार्टर के दिन देखते हैं, तब वो टाइड्स थोड़ी छोटी हो जाती हैं। रीज़न ये होता है कि अब मून और सन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब उनकी ग्रेविटी एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे को अपोज कर रही है, क्योंकि मून हमारे पास है तो उसकी हमारे को ग्रेविटी ज़्यादा महसूस होती है, तो पानी उसकी तरफ उछलता है, लेकिन सन की ग्रेविटी जो है वो भी थोड़ी बहुत महसूस होती है, तो उतना नहीं उछल पाता जितना स्प्रिंग टाइड के वक्त था। तो ये जो छोटी छोटी टाइड्स बनती हैं उनको हम नेप टाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वॉट आर नेप टाइड्स एंड वॉट आर द स्प्रिंग टाइड्स। अब ये कह रहे हैं हाई टाइड सपोर्ट नेविगेशन, ये जो नेविगेशन वाले लोग होते हैं उनको हाई टाइड्स बड़ी सपोर्ट करती हैं बाय रेजिंग वाटर लेवल, ये क्या करती हैं शिप को आराम से हार्बर पर ले आती हैं, है ना। एंड दीज टाइड्स ऑल्सो मेक द फिश गो टूवर्ड द शोर वाइल फिशरमैन आर एबल टू कैच दैम, और इसके अलावा जो मछलियाँ होती हैं बेचारी वो भी टाइड्स के साथ साथ आ जाती हैं किनारे पे। और इस दिन जब हाई टाइड्स आती हैं यानी फुल मून और न्यू मून वाले टाइम पे, उस वक्त फिशरमैन के बड़े मज़े हो जाते हैं क्योंकि उनको ढेर सारी मछलियाँ मिल जाती हैं किनारे पे, क्योंकि बड़ी बड़ी लहरों के साथ वो भी बह के आ जाती हैं। नेक्स्ट होता है ओशियन करंट, वाटर के ओशन के सरफेस पे, ओशन के वाटर का जो सरफेस होता है उस पे जो लहरें होती हैं छोटी छोटी करंट्स होते हैं स्ट्रीम्स
जो होती हैं पानी की, उन्हें हम ओशन करंट्स कहते हैं। और दीज करंट्स कैन बी कोल्ड एंड वार्म। लेबरेडर करंट जो होता है वो कोल्ड करंट होता है, और गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो वार्म करंट होता है। कोल्ड करंट जो होता है एक्चुअली क्या होता है, जो पानी जब बह रहा है और वो पोल्स की तरफ से आ रहा है तो वहाँ से पानी ठंडा आएगा। तो जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो हमेशा पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे होते हैं, और जो पानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ बहेगा वो ऑब्वियसली गर्म होगा, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई है, इक्वेटर से हुई है। तो वो जो पानी होता है, जो करंट्स होते हैं ओशियन में, वो हॉट करंट्स होते हैं, वार्म करंट्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि लैब्राडोर करंट जो होता है वो कोल्ड करंट होता है, तो यानी कि वो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा होता है, और गल्फ स्ट्रीम जो करंट होता है वो हॉट करंट होता है या वार्म करंट होता है, वो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, जब ट्रॉपिकल एरिया आता होगा तो वहाँ पर एक ट्रॉपिकल सा पानी का टेम्परेचर रहता होगा, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, तो वहाँ पर क्या होता है ना, बेस्ट फिशिंग प्लेस होती है। तो वहाँ पर क्योंकि मछलियाँ ना तो ज़्यादा ठंड में रह सकती हैं ना ज़्यादा गर्मी में रह सकती हैं, अपन भी जो ट्रॉपिकल एरिया वाले लोग हैं वही सबसे ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी गर्मी सब नॉर्मल पड़ता है, एकदम बहुत भयंकर वाली सर्दी भी नहीं है, बहुत भयंकर वाली गर्मी भी नहीं है। ठीक है ना, ना हम बहुत काले होते हैं, ना हम एकदम सफ़ेद सफ़ेद है वो कनाडा के लोगों की तरह, तो या फिर पोल्स पे रहने वाले तो पता नहीं क्या ही होता होगा, वहाँ पे थोड़े बहुत जो रहते होंगे। तो कुल मिला के बात है कि चाहे ह्यूमन बींग्स देखो, चाहे हम फिशेस की बात करें, तो उनको भी ट्रॉपिकल जो एनवायरनमेंट है, वेदर है, वही उनकी लाइफ के लिए सुटेबल है। तो जहाँ पे पानी जो ओशियन करंट है वो ना तो ज़्यादा वार्म है ना तो ज़्यादा कोल्ड है, मिक्स है, तो वहाँ पर हमें फ़िशिंग एरिया सबसे बेस्ट मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा मिक्स ऑफ एंड ऑल्सो, अच्छा, द सीज अराउंड जापान आर द एग्जांपल्स ऑफ सच फिशिंग एरिया। जापान के आसपास का जो एरिया है वो इस फिशिंग एरिया के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा एग्जांपल है, वहाँ पे खूब फिशिंग होती है। मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर कॉज फॉग। अब एक बात और ध्यान रखना कि जहाँ ठंडा और गर्म पानी मिक्स होता है वहाँ पे फॉग बनता है, और फॉग अगर बनेगा तो क्या होगा, जब धुंध होती है तो हम गाड़ी चला पाते हैं, तो इसी तरीके से पानी में जो शिप्स होते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो दिस वॉज योर चैप्टर, आई होप दैट यू ऑल गेट इट वेरी वेल। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एक बार वापस पढ़ना चैप्टर को, तब अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो टाइट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़ी मज़े आए थे इसको पढ़ने में। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता, और हाँ एक और बात मैं बता दूँ कि अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं इस महीने, तो योर सिलेबस विल बी अप टू दिस चैप्टर वाटर तक, ज्योग्राफी का। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा दिया ज्योग्राफी और सिविक्स में, उतना ही है आपका कोर्स हाफ ईयरली के लिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम डिले होते हैं, नवंबर में जाते हैं, दिवाली के बाद होते हैं, देन योर चैप्टर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, गेटिंग। तो इतना काम कंप्लीट करके लर्निंग चालू कर दीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। वी विल मीट टुमारो, एंड ऑन टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन सबमिट द कॉपीज व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।